अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वायरल टैलेंट का, नाम मोहम्मद शाजिद। तो भैया काफी दिन बाद आप ये चेहरा जो देख रहे हैं, अब हमारे जाने के बाद लोगों ने ये सोचा था कि भाई चला तो गया, अब हम जो भी पैसे ले लेके पहनते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे कि भाई ये वाला फोन अच्छा है, वो वाला फोन अच्छा है। भाई अब हम वापिस आ चुके हैं अपने इसी मकसद को लेके कि हम आपको सही तरीके से गाइड करें कि भाई कौन सा फोन आपके लिए अच्छा है और कौन सा फोन जो है वो आपके लिए सही नहीं है। तो इस वीडियो में हम ऐसी तरीके के फोन की बात करने जा रहे हैं जो कि मार्केट के अंदर काफी शो ऑफ किया गया है कि तो बहुत अच्छा फोन है। तो Redmi Note 10 की बात हो रही है, तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको बताएंगे कि क्या ये अच्छा है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, फिर मारते हैं पट से हेडशॉट। तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉक्स मौजूद है Redmi Note 10 Pro का है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं दो जो वेरिएंट हैं उनके दोनों के कलर मौजूद हैं, नोट की ब्रांडिंग वगैरह हुई भी है, Xiaomi की ब्रांडिंग हुई भी है, वाइट कलर का ये बॉक्स है। तो अब इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। और ये याद रखिएगा क्वाड कैमरा सेटअप है, तो ये इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है, अलग ही लुक का जो कैमरा डिवाइस है वो दी गई है। यहाँ पे भी साइड में भी ब्रांडिंग है। पहले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर जो है पहले हमें सिम इजेक्ट टूल नज़र आता है, उसके बाद जो पुस्तकें हैं, कुछ नोट्स हैं वो मिलते हैं, मगर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे जो सिलिकन केस है वो मौजूद है, मगर काफ़ी हल्की क्वालिटी का ये महसूस हो रहा है, काफ़ी हल्की क्वालिटी लग रही है। तो मोबाइल की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे ये जो मोबाइल है इसको हमने बॉक्स से निकाल लिया है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं 108 मेगापिक्सल का कैमरा, क्वाड कैमरा, 6.6 इंचेस की LCD जो है वो है AMOLED डिस्प्ले के साथ, 732G का जो है वो स्नैपड्रैगन हैगा, और 33 वॉट का जो है वो फास्ट चार्जिंग भी इसमें मौजूद है। तो यहाँ पे मोबाइल को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। बॉक्स के अंदर जो है वो हमारे पास फ्रंट पे चार्जर नज़र आ रहा है, जो कि चार्जर हमें 33 वॉट का फास्ट चार्जर दिया गया है। और अगर केबल की बात की जाए इसकी, तो यहाँ केबल जो है वो USB टाइप सी की केबल है, और इसके अंदर जो है हैंड फ्री का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। अब बात कर लेते हैं मोबाइल की और इसको रखते हैं साइड पे। तो यहाँ पे मोबाइल की रैपिंग उतारते हैं और इसकी आप फर्स्ट लुक देख सकते हैं, और मोबाइल को टर्न ऑन करते हैं, जो कि आप ब्रांडिंग इसके ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है, यहाँ पे पंच होल कैमरा मौजूद है। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कि जो कैमरा है वो क्वाड कैमरा सेटअप है, साइड में फ्लैश दिया हुआ है, ये थोड़ा सा अलग लुक का कैमरा सेंसर तो जो है स्टाइल है वो नजर आ रहा है। हम अपनी हर वीडियो के अंदर प्राइस पॉइंट की जो बात है वो लास्ट में करते हैं, मगर यहाँ सबसे पहले बात प्राइस पॉइंट की करेंगे। तो 32,000 की रेंज के अंदर आपको रेडमी मिल रहा है, वो भी नोट 10, बहुत अच्छा है AMOLED डिस्प्ले के साथ। मन पारस जादेव की तरह ये नहीं बोलेंगे कि जब हम आए तो तब हमने सोचा था तब्दीली आ चुकी होगी, मगर यहाँ तब्दीली आ चुकी है, एंड्रॉइड 11 आ चुका है। हम जाने से पहले एंड्रॉइड 11 रो रहे थे, मगर यहाँ आ चुका है। अगर बात की जाए नोट 10 के साथ नोट 9 की, तो नोट 9 के अंदर हमने देखा था कि आपको एंड्रॉइड दिया जा रहा था, वो 10 दिया जा रहा था, LCD IPS LCD डिस्प्ले दिया जा रहा था, यहाँ पे आपको दिया जा रहा है एंड्रॉइड 11 और AMOLED डिस्प्ले दिया जा रहा है। तो बेस्ट है भाई, अच्छा है, मगर सिर्फ यही चेंज है। अब बात करते हैं इसकी खामियों की, तो खामियों के अंदर तो बहुत सारी खामियां हैं, अगर मैं गिनाने आपको बैठ जाऊं तो मेरे ख्याल बहुत टाइम गुजर जाए। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं लुक की, तो फिर भाई कैसा दिया, कैसी लगी हमारी लुक, यह आपने हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अब बात की जाए रेडमी की, तो अगर आप पहले से रेडमी यूजर है या आपने रेडमी जो नोट 9 था वो यूज किया है, तो भाई अब कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं है, सब आपको पता है, हम आपके दिल का दर्द समझते हैं। और अगर आपको नहीं पता, आपने रेडमी यूज नहीं किया, तो हम बैठे हैं ना, हमारा यहाँ काम ही क्या है, हम आए क्यों हैं यहाँ, हम बताएंगे आपको। तो भाई खूबियां तो आपने सुन ली, अब बात करते हैं खामियों की। तो सबसे पहले चिपसेट की बात की जाए, तो 10 के अंदर जो आपको चिपसेट देखने के लिए मिल रहा है वो आपको 600 की सीरीज का चिपसेट देखने के लिए मिल रहा है, जो कि 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। और अगर बात की जाए 9th की, तो वो 700 की सीरीज का चिपसेट है, जो कि बेस्ड है आप 808 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो भाई कौन सा अच्छा है, अब आप खुद फैसला कर सकते हैं। अब बॉडी की बात की जाए, तो बॉडी के अंदर आपको पेलने वाला काम किया गया है। अगर बात
नोट 9 की जाए तो नोट 9 के अंदर आपको जो फ्रंट के ऊपर पैनल दिया गया था और पैनल प्रोटेक्शन दी गई थी वो गोरिल्ला ग्लास 5 की दी गई थी और बैक बॉडी जो थी वो ग्लास मटेरियल की थी, मगर यहाँ के ऊपर जो है वो आपको 10 सीरीज के अंदर पेल दिया गया है, सिर्फ बोला जाने दो धक्के पे चल रहा है चलने दो, बॉडी जो है वो प्लास्टिक बॉडी है और पैनल के ऊपर जो है वो गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है, यानी कि यहाँ पे भी कमी दिखने के लिए मिल रही है। बिल्टन और रैम की, तो भाई अगर आप पहले से यूजर हो, आपने नोट 9 लिया हुआ है या नोट 9 की सीरीज में से कोई भी फोन आपके पास अवेलेबल है, आप यूज कर रहे हो, तो भाई क्यों आप छोड़ के नोट 10 खरीदोगे या 10 की सीरीज में से कोई और फोन खरीदोगे? भाई बात वही है, 4GB 6GB और 8GB, वही हमें 4GB 6GB 8GB मिल रहा है मगर अलग प्राइस पॉइंट पे। तो भाई पहले वाला जो फोन है हमारे पास उसमें क्या ऐसा बुरा है, वो और चीजों में तो सबसे बेहतर है, सेम चीज हम ज्यादा पैसों में क्यों खरीदें? 4GB हमें ज्यादा पैसों में मिल रही है, वही 4GB हमें कम पैसों में मिल रही थी। अब हमने जो 40,000 का फोन लिया था आज 32,000 का सेल करें और जाके वापिस जाके हम 40,000 रुपए का सेम स्पेसिफिकेशन में फोन खरीदें, तो भाई क्यों ऐसा क्यों? भाई कैमरे के अंदर भी यही सारी चीजें हैं, यही सारा जो मैंने आपको बिल्टन के अंदर बताया वो ही सब फैला गया है। 48 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा देखने के मिल रहा है, सेकंड कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिल रहा है, थर्ड और फोर्थ कैमरा जो है वो 2 मेगापिक्सल के कैमरा देखने के लिए मिल रहा है। तो भाई 9 में भी तो यही था, तो 8 में भी यही है, तो डिफरेंस कहाँ है भाई, फर्क कहाँ है ये बताओ? क्यों हम एक फोन जो है हमने 40,000 का खरीदा था 32,000 का जाके बेचे, फिर उसमें पैसे मिला के 40,000 रुपए का फोन परचेस करें सिर्फ एमोलेड डिस्प्ले के चक्कर में? तो भाई अगर मेरी बात मानी जाए और मेरे अगर रिकमेंडेशन पे आप अमल करें, अगर आप 9 के यूजर हैं तो 9 की सीरीज के ऊपर टिके रहें, पैसे जाया करने का कोई फायदा नहीं है। अगर वो बात अलग है कि आप अंबानी के बेटे हैं टाटा के बेटे हैं तो भाई पैसा उड़ाएं टेंशन फ्री। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे कहीं पे गलत हूँ तो मुझे कमेंट करके आपने लाजमी बताना है कि भाई आपने ये बात सही नहीं की। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या जा रहे हो भाई? जाते जाते सब्सक्राइब लाजमी करते जाना, पिछले सीजन से कहता आ रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अब इतना पैसा है तुम्हारे पास कि मोबाइल पुराना बेच के नया ले सकते हो, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, यहाँ तो पैसे भी नहीं लगते, तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।